सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइस, आज एक और बहुत ही खूबसूरत सा ये टू कलर में मैं डिज़ाइन लेकर आई हूँ और बहुत तेज़ी है। देखिए इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने 6 सिलाइयों का गैप दिया है और यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 सिलाइयों का गैप दिया है। तो ये गैप जो है आप अपने हिसाब से देंगे, कितना गैप आपने बीच में रखना है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा गैप देकर दिखाया है, यहाँ कम देकर दिखाऊंगी। तो देखिए किस तरह से बनेगा, दो फंदों का ये डिज़ाइन है, दो दो फंदों के हिसाब से आप फंदे रखें और एक एक फंदा लास्ट में और एक स्टार्ट में एक्स्ट्रा रख लेंगे। अब देखिए किस तरह से बनेगा। देखिए पहले आप जब कलर चेंज होगा तो पहले आप ये सीधी सिलाई बना लेंगे। अपना बॉर्डर रेडी करने के बाद आपने एक सीधी सिलाई दूसरे कलर की बनानी है पहले। आप ये 9 या 10 नंबर की सिलाई से इस डिज़ाइन को बनाएं। ये लेडीज़, किड्स, जेंट्स दोनों में बहुत अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। देखिए अब हमारी ये रो नंबर 2 आई है और रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड को आप सीधा बनाएंगे, उल्टा नहीं बुनेंगे, सीधी ही सिलाई ये बुननी है। पहली सिलाई भी हमारी सीधी थी, उल्टी साइड को भी हमारी ये सिलाई सीधी ही बुनी जा रही है। देखिए रॉ नंबर 2 हमारी कंप्लीट हुई। अब हमारी रॉ नंबर 3 आई है, तो रॉ नंबर 3 को भी हम सीधा बुन देंगे। ये 3 सिलाइयाँ हमारी तीनों सीधी ही बुनी जाएंगी। रॉ नंबर 3 है ये, अब ये आराम से हमें सीधी बुन लेनी है। ये जो हमारा डिज़ाइन बनेगा ये हमारा रॉन्ग साइड पर बनेगा। ये देखिए हमारी रॉ नंबर 3 भी कंप्लीट हुई। अब ये हमारे रॉ नंबर 4 आई है और डिज़ाइन इस पर अब बनेगा। तो देखिए ये पहला फंदा हमारा एक्स्ट्रा है, तो इसे बिना बुना उतार लेंगे। और अब जो है देखिए इसे ध्यान से देखना, दो फंदे एक साथ लेंगे हम, दो फंदों को बुना, ऊन सिलाई पर लेनी है इस तरह से, फिर से इन दोनों फंदों को बुनना है, फिर इस एक फंदे को बुनना है, दो में से एक फंदे को फर्स्ट वाले को बुन देना है। देखिए 2 से 4 फंदे हमारे अभी ये बन गए हैं। देखिए फिर से दो फंदे लेंगे, इन दोनों को बुना, ऊन सिलाई पर ली, फिर से इन दोनों फंदों को बुनना है एक बार, 3 फंदे बन गए हमारे। अब फिर इन दोनों फंदे जो है ये दो, इनमें से एक को फर्स्ट वाले को फिर से बुनना है। 4 बार हो गया हमारा, 4 फंदे हो गए। अब देखिए फिर से दो फंदे, एक बार बुना, उनको सिलाई पर लिया, फिर से इन फंदों को बुना, फिर इसमें से एक फंदा, फर्स्ट वाला एक फंदा हमें बुन देना है।
पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट होगी। रो नंबर फोर एक बार सिलाई पर लिया, फिर दोनों को एक बार बुन दिया, फिर एक फंदा बुनना है। दो फंदों से हमारे ये चार चार फंदे बन गए हैं। देखिए हमारी रॉ नंबर फोर भी कंप्लीट हुई। देखिए अब रॉ नंबर फाइव आई है, फर्स्ट फंदे को हम बिना बुना उतार देंगे। अब देखिए क्या करना है, अब ये ऊन को आगे लाना है और इन चार में का ये चार जो फंदे बने थे एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और फिर से ऊन को पीछे पहुंचाएंगे। उल्टा बुनने के बाद अब ये तीनों फंदे जो है हमारे एक साथ, इनको लेकर हम तीनों फंदे एक साथ लेकर हम सीधे बुन देंगे। फिर से हमारे ये दो फंदे हो गए इस तरह से। अब फिर से उनको आगे लाएंगे, एक फंदा पहला वाला हमने उल्टा बनाना है, इसमें उनको पीछे पहुंचाया, तीनों फंदों को एक साथ लेंगे इनको और इनको हमने सीधा बुन देना है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत ही बेस्ट है। फिर से उनको आगे लिया, ये उल्टा फंदा बनाया, तीन फंदे हम सीधे बना देंगे। बस इतना ध्यान रखना है आपने, इन चार फंदों में से फर्स्ट वाला फंदा जो होगा उसको उल्टा बनाना है, बाकी के तीन फंदे बचे हुए तीनों को एक साथ लेकर सीधा बना देना है। पूरी रॉ फाइव इसी तरह से हमारी कंप्लीट होगी। देखिए लास्ट का फंदा हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम सीधा बना देंगे। देखिए रॉ फाइव भी हमारी कंप्लीट हुई। अब हमारी रॉ सिक्स आई है, तो रॉ सिक्स है और रॉन्ग साइड है ये वाली, तो इसको हम देखिए पहला फंदा हम बिना बुना उतार देंगे, इसको हम सीधा बनाएंगे।
रो 6 को सीधा बना देना है क्योंकि हमें उधर उल्टा डिज़ाइन लाना है डिज़ाइन के ऊपर, तो इसको हम सीधा बुन देंगे। देखिए रॉ 6 में हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन आया है, बहुत ही प्यारा सा बनकर। अब देखिए इसमें आपने दूसरा कलर चेंज करना है, तो अब आप सीधी और उल्टी सिलाइयों में कितना गैप आपने रखना है ये आपकी चॉइस पर है। रॉ 7 पर आप ये बेस वाला कलर यूज़ करेंगे, इसमें सिर्फ आपने उल्टी और सीधी सिलाइयाँ बना देनी है और कितना गैप रखना है ये आपकी चॉइस है, और फिर आप ये डिज़ाइन दोबारा से स्टार्ट कर दें जिस तरह से मैंने फर्स्ट रॉ से बताया है आपको। ये देखिए एक कलर चेंज कर दिया हमने, बस अब उल्टी सीधी सिलाइयाँ ही ये इस बेस वाले कलर की बनेंगी। उसके बाद आपने जितना भी इसमें गैप देना है आप ये चाहे ज़्यादा दें या कम दें, उसके बाद आप डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे जिस तरह से मैंने फर्स्ट रॉ से बताया था। देखिए गाइज आपको कैसा लगा मेरा ये डिज़ाइन आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नई नई वीडियोस और डिज़ाइन देखें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक